सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुशीर कानून माहौलियात और साहिली तरक्की बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि PSL का कराची में कामयाब इनेकाद खुशाइंद है। इससे न सिर्फ क्रिकेट बल्कि कराची की रौनकें भी बहाल हुई हैं। बड़े खुश थे कि पिछले 2 सालों में जिस तरीके से क्रिकेट को वापस लाने में सिंध हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया और कराची आपने देखा कि वो एक कराची क्रिकेट कैपिटल बन गया था कि सारे मैचेस कराची में हो रहे थे। लास्ट ईयर PSL के तमाम पाकिस्तान में होने वाले मैचेस कराची में हुए थे, तो हम तो बड़े पुरउम्मीद थे, बड़े एक्साइटेड थे कि कल की जो तकरीब होगी वो बड़ी इंप्रेसिव होगी। बट अनफॉर्चुनेटली ना उस तकरीब का कोई सरपैर था, ना साउंड सिस्टम ठीक था, और बल्कि मैं तो कहता हूँ एक परफॉर्मर का मैं इंटरव्यू देख रहा था कल रात को, वो कहते हैं कि जी हमारी परफॉर्मेंस को कट कर दिया गया। तो एक इल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था और मैं समझता हूँ जितनी हाइप और जितनी मेहनत के साथ हमने PSL और क्रिकेट को वापस लाने के लिए जद्दोजहद की थी, मैं समझता हूँ उस तमाम चीज़ों को अंडरमाइन कर दिया गया कल की खराब परफॉर्मेंस की वजह से। फयाजुल हसन चौहान अपनी बदजबानी की वजह से मशहूर हैं। इन्हें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद जेब नहीं देती। फयाजुल हसन चौहान साहब मैं समझता हूँ मशहूर हैं हमेशा इनअप्रोप्रिएट बात करने के लिए, और माजी में इस तरह की बात करने की वजह से या इनअप्रोप्रिएट बात करने की वजह से उनसे वजारत के कलमदान भी लिए गए हैं। मैं समझता हूँ लाहौर में बैठे हुए उनको पता नहीं है चीज़ों का कि वो किस तरह की बात करते हैं। वो पॉलिटिकल लीडर हैं, एक हुकूमत के वजीर हैं, उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हलीम आदिल शेख को सिक्योरिटी देना पुलिस का काम है। PTI के मुताबिक तो IG सिंध अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में फुल प्रूफ सिक्योरिटी PTI को पता नहीं कैसे मिल सकती है, बिकॉज PTI सियासी जमात फूल्स की है जिन्होंने पिछले 18 माह में पाकिस्तान की कौम के साथ किया है, तो लग तो ऐसे ही रहे, तो उनको कैसे अपने आप से सिक्योरिटी हम दे सकते हैं। उन्होंने सिक्योरिटी मांगी है पुलिस से, पुलिस इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, और वो तो खुद कहते हैं कि मौजूदा IG बहुत अच्छे तरीके से काम करे थे। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि खुर्रम शेर जमान उनके कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुई है, और हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं कि नहीं जी IG साहब ज़बरदस्त काम करें। तो जब एक IG इतना अच्छा काम करे, ज़बरदस्त काम करे, तो घबराहट किस चीज़ की। साबित हो गया कि खराबी पीपल्स पार्टी में नहीं PTI के दिमाग में है। PTI कोई जमात नहीं बल्कि बेवकूफ़ लोगों का मजमा है। PTI जो है वो एक पकड़ धकड़ पार्टी है, इनके पास अपने लोग नहीं है, और जब अपने लोग आपके पास नहीं होते जो कि सही तरीके से काम कर सकें, आप दूसरी सियासी जमात के लोगों को अपने पास बुलाते हैं। आपने देख लिया इनकी काबीना में जो अराकीन है उनका ताल्लुक माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या नून लीग से या काफ लीग से था, उसके बाद उनको फाइनेंस मिनिस्टर वो लाना पड़ा जो कि माजी में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर था, हालाँकि हमारी फाइनेंस की पॉलिसीज़ को लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे, और अब इन्होंने अटॉर्नी जनरल उस शख्स को अपॉइंट किया है जो कि माजी में हमारी सिंध हुकूमत का एडवोकेट जनरल था। कबल अजी ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत मकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं। सिंध असेंबली से मंजूर करदा हर कानून असेंबली की वेबसाइट पर मौजूद है। जो लॉ आज तक सिंध असेंबली ने पास किया है दैट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। एक शहरी, सिंध का शहरी, पाकिस्तान का शहरी, दुनिया भर में बैठा हुआ कोई भी शख्स अगर जानना चाहता है कि सूबाई सिंध के अंदर क्या कानून साजी की गई है, उसकी कौन सी स्टैंडिंग कमेटी है, वो क्या काम कर रही है, क्या क्या पेशरफ्त हुई है, दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। हमने लॉ डिपार्टमेंट में काम करते हुए सिंध कोड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया और हमने कहा कि जी हर लॉ शुड बी अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एंड नॉट जस्ट इन इंग्लिश, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि एक आम आदमी को आसान अल्फाज में समझ आनी चाहिए, तो हमने उसको ट्रांसलेट किया। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि हमें मनफी चीज़ों से निकलकर मुस्बित चीज़ों को देखना चाहिए, अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए। जिसका जो काम है उसको वो करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ एज अ सोसाइटी जो मूड पॉइंट है जो हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस 70 साल के इर्तका में हम कहीं खो गए हैं और हर शख्स अपना काम करने के बजाय दूसरे का काम कर रहे हैं।